नगर परिषद कार्यालय में बैठक में भिड़ गए पार्षद, अध्यक्ष ने दी इस्तीफे की धमकी। उधमपुर के नगर परिषद के कार्यालय में पार्षदों की बैठक के दौरान बुधवार को शहर की समस्याओं को लेकर कुछ पार्षदों के बीच कहासुनी होने लगी। इसके बाद विवाद पैदा हो गया और विवाद के बाद पार्षद एक दूसरे पर ही कई तरह के आरोप लगाने लगे। बैठक का नेतृत्व कर रहे चेयरमैन डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता ने पार्षदों को समझाने का प्रयास किया तो कोई भी नहीं माना। चेयरमैन ने गुस्से में इस्तीफा देने की धमकी दी और कार्यालय से बाहर निकल गए, लेकिन कुछ पार्षदों ने उन्हें रोक दिया। बहस के दौरान ही एक महिला पार्षद भी बेहोश हो गई। जब भी नगर परिषद कार्यालय में पार्षदों की बैठक होती है तो कोई ना कोई विवाद जरूर पैदा होता है। बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे बैठक का आयोजन नगर परिषद कार्यालय में हुआ और इसमें नगर परिषद के चेयरमैन को मिलाकर कुल 16 पार्षदों ने हिस्सा लिया। बैठक में सबसे पहले मुद्दा शहर की सफाई की व्यवस्था पर उठा। वार्ड नंबर 20 के पार्षद जगदीश ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनके वार्ड में कभी भी सफाई व्यवस्था को लेकर जब बहस शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में सफाई समय से नहीं हो रही है और देखते ही देखते विवाद ज्यादा आगे बढ़ गया और बहस के दौरान संतोष कुमारी बेहोश हो गई। वहीं कुछ पार्षदों ने कहा कि नगर परिषद की तरफ से मंगलवार को जांच शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन उनको इस बारे में रात के समय जानकारी दी गई। अगर इसकी जानकारी कुछ दिन पहले दी होती तो वो अपने वार्डों के लोगों के बीच जाकर जांच कर पाते। इसी तरह से नगर परिषद कार्यालय में घंटों तक विवाद चलता रहा और लंबी बहस के बाद भी किसी तरह का नतीजा नहीं निकला तो पार्षद और चेयरमैन वापस लौट गए।